દિલ્હીમાં ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓની બેઠક લોકસભાની ચૂંટણી અંગે બેઠકમાં મંથન કરવામાં આવશે। ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ આ બેઠકમાં હાજર રહેવાના છે। નવનિયુક્ત પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ પણ આ બેઠકમાં હાજર રહેશે। પૂર્વ પ્રમુખ અને પૂર્વ વિપક્ષી નેતા પણ બેઠકમાં હાજર રહેવાના છે। પહેલા કેસી વેણુગોપાલ સાથે મુલાકાત કરશે અને રાહુલ ગાંધી સાથે પણ મુલાકાત થઈ શકે છે। गुजरात कांग्रेस नेताओं आ बैठक में हाजर रहना है। लोकसभा की चूंटी अंगे बैठक में मंथन कर नवनियुक्त प्रमुख शक्तिसिंह गोहिल आ बैठक में हाजर रहना है। पूर्व प्रमुख पूर्व विपक्ष नेताओं जोड़वाना है। दिल्ली में गुजरात कांग्रेस नेताओं से बुलाया बैठक आयोजन कर लोकसभा की चूंटी अंगे मंथन कर तो आ विषय વધુ જાણકારી મેળવીશું। સવદતા રવિ સિસોદિયા દિલ્હીથી જોડાઈ ગયા છે। તેમની પાસેથી આ વિષય વધુ જાણકારી મેળવીશું। દિલ્હીમાં જે બેઠક મળવા જઈ રહી છે તે વિશે વધુ જાણકારી તેઓ આપવાના છે। રવિ સિસોદિયા જેઓ દિલ્હીથી અમારી સાથે જોડાવાના છે। રવિ, જિસ તરહ સે બાત કી જાય, આજ જો બેઠક મિલને જા રહી હૈ, ગુજરાત કે સભી જો નેતા હૈ ઉનકો વહાં બુલાયા ગયા હૈ, આજ કી જો બેઠક હૈ કિતને મહત્વ કી યે બેઠક કરને વાલી હૈ, ક્યા ચર્ચાએં હોંગી ઇસમેં? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष बनने के बाद शक्ति सिंह गोहिल का यह पहला दौरा है जब वो कांग्रेस के सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे। जहां तक बैठक का सवाल है, उनकी मुलाकात कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से होगी और जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल उनके साथ बैठक होगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में जो कांग्रेस की प्रॉपर्टीज हैं, जो गुजरात कांग्रेस के जो ऑफिसेस हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं उनके टैक्स से रिलेटेड है, उसको लेकर पूरा संकलन किया जा रहा है। उस मसले को लेकर बैठक बुलाई गई है और उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों में, चूंकि वहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और कुछ दिनों में ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों वहां पे प्रभारी की भी नियुक्ति की जाएगी। 23 से 24 तारीख के बीच वहां उस पर नया प्रभारी गुजरात को मिल जाए। तो तमाम मसले होंगे आने वाले दिनों में। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस पर क्या तैयारियां रहेंगी, संगठन में क्या विस्तार हो सकते हैं, वहां पर संगठन में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, तो ये सब इश्यूज हैं, ये सब मसले हैं जिन मसलों को लेकर करीब 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। जो गुजरात के लीडर्स हैं उनकी मुलाकात कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और साथ साथ जो कोषाध्यक्ष पवन बंसल उनसे होनी है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो पूरे देश भर में जो कांग्रेस की प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर सभी जो प्रदेश के लीडर्स हैं उनसे बारी बारी मुलाकात कर रही है और उनसे डिटेल्स दे रही है। गुजरात का क्रम था, गुजरात के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जाएगी। जो पूरे गुजरात में जो कांग्रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो ऑफिसेस हैं, उनके क्या हालात हैं, वहां से क्या टैक्स आ रहे हैं, तो तमाम इश्यूज को लेकर वहां बैठक बुलाएगी। और दूसरा जो सबसे अहम मसला बता सकते हैं कि चूंकि पहली बार गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का शक्ति सिंह गोहिल का दौरा है, तो वो मुलाकात करेंगे, कांग्रेस आलाकमान से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और प्रदेश में किस तरह से संगठन में फेरबदल होंगे, इन तमाम मसलों पर चर्चा हो सकती है। जी रवि, ऐसा भी कहा जा रहा है ये जो बैठक है उसके बाद राहुल गांधी भी मुलाकात कर सकते हैं इन लोगों से, लेकिन सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो बैठक है उसमें दिल्ली के कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली से जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल और साथ साथ जो कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, इनके साथ इनकी बैठक है। ये माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकती है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी चूंकि विदेश दौरे पे थे, आज उनको दिल्ली पहुंचना है, उनके आने के बाद ही इनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो सकती है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो दो लीडर्स के साथ इनकी बैठक फिक्स की गई है, जो मीटिंग है वो फिक्स है, वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और साथ साथ संगठन महासचिव। जहां तक मसला का सवाल है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो तमाम स्टेट हैं, सभी स्टेट के लीडर से इनकी मुलाकात हो रही है। वहां पर जो कांग्रेस की प्रॉपर्टीज हैं उनके रख रखाव, उनमें कितना टैक्स आता है, उसको कैसे विस्तार किया जाना है, उसको लेकर जब सभी प्रदेश के लीडर से मुलाकात हो रही है। आज गुजरात का टर्न था, गुजरात के लीडर्स को आज बुलाया गया है और कांग्रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रख रखाव है, जो टैक्स है, वो एक अलग मसला है। साथ ही साथ जो संगठन विस्तार की बात की जा रही है, चूंकि अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो ऐसे में प्रदेश में कैसे संगठन विस्तार किया जाए और आने वाले दिनों में जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उसमें क्या रणनीति हो, ये तमाम इश्यू होंगे जिस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल रवि, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो गुजरात कांग्रेसना નેતાઓ શ્રી દિલ્હીમાં જે બેઠક યોજાવાની છે આ બેઠકમાં મંથન કરવામાં આવશે। આગામી સમયમાં 2024માં લોકસભાની ચૂંટણી છે અને તેને જોતા ગુજરાતના જે નેતાઓ છે તેમને પણ બોલાવવામાં આવ્યા છે દિલ્હીમાં અને આ બેઠકમાં તેઓ હાજર રહેશે। સમાચારોમાં રોકાઈશું એક બ્રેક માટે, અને સમાચાર આ બ્રેક બાદ।